नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तराखंड से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। विकासनगर में फतेहपुर आसान नदी पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सूत्रों से कल मिली थी सूचना। राजस्व विभाग के द्वारा कल बनाई गई थी योजना, गुप्त रखा गया था अभियान। अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुई थी सभी राजस्व विभाग के अधिकारियों की मीटिंग। ग्राम समाज नदी नाले की जमीनों को कराया जाएगा कब्जा मुक्त। वहीं उप जिलाधिकारी तहसीलदार लेखपाल की बंद कमरे में हुई थी मीटिंग। सभी लेखपालों को अवैध अतिक्रमण पर बने स्थानों की सौंपी गई थी लिस्ट। अवैध बने मकानों के स्वामियों को पहले ही भेजे जा चुके थे नोटिस और आज कार्यवाही जारी रही। एन्यूज़ टुडे से मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट। मौसम ने बदली करवट, तेज हवा के साथ ताबड़तोड़ बारिश, बारिश के साथ तेज ओलावृष्टि शुरू। गर्मी में दिसंबर जैसी ठंड का हुआ एहसास, लोग फिर से घरों में बैठे, किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। एन्यूज़ टुडे से मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तराखंड बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट हुए जारी, तनु चौहान ने किया टॉप। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड की ओर से परीक्षा फल जारी होते ही जसपुर उधम सिंह नगर की इंटरमीडिएट की छात्रा तनु चौहान का परिवार खुशी से झूम उठा। बेटी ने 12वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में टॉप किया। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने गुरुवार को देहरादून और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार के बीच चलेगी। 29 मई से आम जनता के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस उपलब्ध रहेगी। फिल्म की शूटिंग के लिए IIT रुड़की पहुंचे अक्षय कुमार। प्रशंसकों की उमड़ी भीड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के परिसर में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग चल रही है। संस्थान की मेन बिल्डिंग में फिल्म की शूटिंग के दृश्य फिल्माए जा रहे हैं। अक्षय कुमार की इस फिल्म के लिए जलियांवाला बाग के कुछ दृश्य दर्शाए जा रहे हैं। शूटिंग के लिए अक्षय कुमार के अलावा काफी संख्या में कलाकार यहां मौजूद हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी प्रमुख खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।